आपके एग्जाम पेपर का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 30। ये आएगा आपके प्रश्नावली कौन सी है, 17, उसमें से आएगा एक सवाल। तो देखो इसमें आपके तीन टाइप में, एक तो समांतर माध्य, एक है माध्य और एक है मध्यिका, मतलब बहुलक, ठीक है, तीन है। अब तीन में सबसे पहले आपके समांतर माध्य, इसकी तीन विधियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और एक पद विचलन विधि। तीनों विधियों में से एक विधि आपसे पूछी जा सकती है। अगर इस सवाल में कहा जाए कि समांतर माध्य याद करो, तब तो आप मर जाए, जो विधि लगा दो। अगर उसमें कहे कि कल्पित माध्य से करो या पद विचलन से करो या प्रत्यक्ष से करो, तो फिर वही विधि का आपको लगानी है। तो देखो सबसे पहला सवाल है आपके ये वाला, ये लिया है मैंने, इसको हल करना है प्रत्यक्ष विधि से। सबसे पहले तो आपको प्रत्यक्ष विधि का सूत्र याद होना चाहिए। देखो जो समांतर माध्य है ना, उसको दर्शाते हैं एक्स बार से, एक्स बार बराबर सूत्र जो होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है ना। सवाल आपके बड़ा आएगा, फिर भी आपको छोटे छोटे सवाल भी देखने, जो पहले वाले प्रश्न उन छोटों को भी देखना है एक बार, उनमें से भी हो सकता है उनमें से दो तीन सवाल दे दे, छह नंबर का आएगा तो यही, फिर भी आपको वो सवाल भी देखने छोटे वाले। आप देखो सबसे पहले अगर वर्ग अंतराल दे रखा है और आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको एक्स मध्य मान। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, मध्य मान बोलते हैं एक्स। अब देखो एक्स निकालना आसान है, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के उनका आधा करना है। बताओ जीरो में दस जोड़ा तो दस, दस का आधा कितना पांच, मतलब आधा का मतलब दो का भाग देना है दोनों जोड़ के, तो दस का आधा कितना हो गया पांच। हर बार ऐसा ही करना है, यहाँ भी दोनों जोड़ो आधा करो, दोनों जोड़ो आधा करो। लेकिन आप एक और ट्रिक लगा सकते हो, इन दोनों में अंतर कितने का है, सब में अंतर कितने का है दस का, तो यहाँ दस दस जोड़ते जाने आपको, दस जोड़े तो कितना हो गया पंद्रह, दस जोड़ा तो पच्चीस, दस जोड़ा तो पैंतीस, दस जोड़ा तो पैतालीस, पैतालीस, ठीक है। तो ये आगे मान, आप चाहे तो आप इधर निकाल के देख लो, इधर देखो दस और बीस तीस, तीस का आधा पंद्रह, बीस और तीस पचास का आधा पच्चीस, सत्तर का आधा पैंतीस, निब्बे का आधा पैतालीस, ऐसे आधा करने आपको आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों गुणा करना है एफ और एक्स को, क्या लिखेंगे एफ गुणा एक्स, एफ इंटू एक्स करना होगा। तो देखो नौ पंजो पैतालीस, अभी करो बारह दूनी तीस, पंद्रह दूनी तीस और पंद्रह दिन एक सौ अस्सी हो गया। अब इन दोनों को कितना हो गया, पंद्रह पांच पिचहत्तर, पंद्रह दूनी तीस और ये सैतीस, तीन सौ पिचहत्तर। अब इन दोनों को कितना हो गया तीन सौ पचास। अब इन दोनों को चौदह पंजो सितर, बचे कितने सात, चौदह चौको छप्पन, छप्पन और सात कितने हो गए तिरसठ, यह हो गया छह सौ तीस। जोड़ बाकी सही सही करना है आपको बस। अब देखो सूत्र की तरफ, सूत्र में गए सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना, किसका जोड़ करो सिग्मा एफ एक्स का जोड़ करो, बताओ एफ एक्स क्या है, ये रहा इसका जोड़ करना है, तो जोड़ करो, बताओ क्या लिखोगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स, जोड़ो सबको पांच पांच दस, दस की जीरो, आंसर का एक, एक और चार पांच, पांच और आठ तेरह, तेरह और सात बीस, बीस और पांच पच्चीस, पच्चीस और तीन अट्ठाईस, आंसर का दो, दो रे तीन, तीन और तीन छह, छह और तीन नौ, नौ छह पंद्रह, तो ये आ गया पंद्रह सौ अस्सी। अब नीचे देखो सूत्र में सिग्मा एफ, यहाँ भी जोड़ करना है, किसका जोड़ करना है एफ का, ये रहा एफ, इसका जोड़ करना है कंप्लीट। नौ और बारह कितने हो गए, नौ और बारह इक्कीस, इक्कीस और पंद्रह, इक्कीस और पंद्रह कितने, छत्तीस, छत्तीस और दस छियालीस, छियालीस और चौदह साठ, तो ये हो गया कितना, सिग्मा एफ का जोड़ोगे कितना साठ हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखो सूत्र में, देखो यहाँ सिग्मा एफ इंटू एक्स, बताओ सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना, पंद्रह सो अस्सी बटा सिग्मा एफ का मान कितना साठ। अब देखो जीरो जीरो कट गया, अब छह का भाग देना एक सौ अट्ठावन में, तो भाग दो छह दुनी बारह, कितना बच गया तीन, अड़तीस हो गया, छह छह छत्तीस, दो बच गया, अब भाग जाएगा दो में नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे पॉइंट, बीस हो गया छत्तीस अठारह,
फिर कितना बच गया? दो, फिर 36, 18, तो उत्तर कितना गया? 26.33। तो सिंपल ही है, अगर आपको वर्ग दे रखा है तो पहले x निकालो, फिर f और x को गुणा करो, एफ एक्स का जोड़ करो और फिर f का जोड़ करो, f के जोड़ का भाग f x के जोड़ में देना है, सिंपल उत्तर आ जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष विधि तो सिंपल ही है, ठीक है। दूसरी देखो, दूसरी है कल्पित माध्य विधि। इसमें भी देखो, अगर आपको ऐसे वर्ग अंतराल दे रखे हैं ना, अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो पहला काम है x निकालना, x निकालना पड़ेगा आपको अगर समांतर माध्य है तो। तो देखो पहले क्या निकालोगे, x निकालेंगे, पहले निकालना है मुझे x। देखो यहाँ निकालूंगा मैं x, x कैसे निकालते हैं पता है, दोनों को जोड़ के उसका क्या करना है, आधा। 40 और 50 कितने हो गए? 90। 90 का आधा कितना होता है? 45। यहाँ तो आएगा 45। अब आगे आधे करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, सब में 10 का अंतर है ना। अब क्या करो, इसमें 10-10 जोड़ते जाओ आगे। 45 में 10 जोड़ा तो 55, 55 में 10 जोड़ा तो 65, 65 में 10 जोड़ा तो 75, 75 में 10 जोड़ा तो 95। आ जाइए x, आप देखो विधि कौन सी है, कल्पित माध्य विधि। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको सूत्र पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। देखो अगर आपके कल्पित माध्य विधि है तो इसका जो सूत्र होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f, ये होता है सूत्र। a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f। देखो इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें एक तो a आ गया और इस x की जगह क्या आ गया, d आ गया। मतलब मेन चीज है ना, आपको एक a निकालना पड़ेगा पहले। a का मतलब होता है कल्पित माध्य, मतलब एज्यूम मतलब मानना पड़ता है अपने को। अब मानेंगे कहां से, ये जो x वाली लाइन है ना, x वाली लाइन, इसमें से कोई सा भी नंबर जो आपके मर्जी में आए, वो कोई सा भी नंबर, लेकिन आपको बीच वाला नंबर लेना है। तो यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, माना a बराबर, जैसे मान लो कितना, मान लो 65 मान लो या 75 मान लो, कोई सा मान लो जो तुम्हारी मर्जी है। जो मैंने मान लिया कितना, 65 मान लिया, कितना मान लिया, 65। ए मानना है इसमें से, एक्स में से कोई सा भी नंबर मानोगे उत्तर आपके सही आएगा, मर्जी है जो नंबर मानो। कितना मान लिया मैंने, 65 मान लिया ए, ठीक है। अब ए आ गया हमारे पास, अब किसकी जरूरत पड़ी, डी की। अब निकालेंगे हम डी। अब देखो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं एक्स माइनस ए, एक्स में से क्या घटाते हैं, ए घटाते हैं। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, ए तो अपन ने मान ही रखा है 65, एक्स हमारे पास ये है ही सही, पर आपको यहाँ टेक्निक का इस्तेमाल करना है। कैसे, आपने कल्पित माध्य कितना माना, 65, इसके सामने तो लिखना है 0, क्या लिखना है, 0। अब इसका अंतर कितने का है, कितने का अंतर है, 10 का पहाड़ा लिखना है ऊपर की तरफ और 10 का पहाड़ा लिखना है नीचे की तरफ। ऊपर पहाड़ा लिखना है माइनस में और नीचे पहाड़ा लिखना है प्लस में। तो देखो 10 एकम 10, 10 दुनी 20। अब यहाँ जैसे 10 एकम 10 दुनी और 10 दिया 20, ऐसे आ जाएगा। मतलब अगर डी निकालना है तो आपको पहाड़ा लिखना पड़ेगा, किसका, इसके मिस में जितने का अंतर हो उस अंतर का पहाड़ा लिखना है। फिर से सभी सवालों में ऐसा ही होगा, अगर मान लो आप पहाड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो आपको ज्यादा समय लगेगा और गलती होने के चांस भी ज्यादा रहेगा। देखो कैसे, हमें डी ज्ञात करना है तो एक्स में से क्या घटाना पड़ेगा, ए, एक्स कितना, 45, इसमें से कितना घटाओगे, 65। बताओ 45 में 65 घटाओ कितना, वही माइनस का 20 बचेगा। यहाँ 55 में से 65 घटाओ कितना बचेगा, 10 बचेगा। 65 में से 65 घटाओ कितना बचेगा, 0। तो आपको क्या करना है, जो ए माना उसके सामने तो लिखना है 0, ऊपर पहाड़ा लिखेंगे माइनस का और नीचे पहाड़ा लिखेंगे प्लस का, और पहाड़ा किसका लिखेंगे, जितने का इधर फर्क हो उसका पहाड़ा लिखेंगे। आगे डी ऐसे निकालना है, डी। अब डी के बाद क्या करना है, देखो एफ और डी को गुणा किया है, एफ इंटू डी, जैसे यहाँ एफ और एक्स को गुणा किया था ना, वहां किसको गुणा करना पड़ेगा, एफ और डी को गुणा करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट निकालेंगे, एफ इंटू डी निकालेंगे। अब एफ कहाँ है, डी कहाँ है, ये रहा एफ। छात्रों की संख्या जो दे रखी है वो क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। अब गुणा करो, 10 को 20 से गुणा किया तो माइनस का 200, 25 को 10 से गुणा किया तो माइनस का 250, 28 को 0 से किया तो 0, 12 को 10 से किया तो 120, 10 को 20 से किया तो 200,
15 को 30 से किया तो 15 = 43 450 आ गया। अब देखो मैंने बताया था सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है देखो यानी क्या है, सिग्मा एफ इंटू डी, सिग्मा एफ इंटू डी का जोड़ करो, एफ इंटू डी ये रहा, इसमें जोड़ करना है, इसमें माइनस के तो जोड़ने एक तरफ और प्लस के जोड़ने एक तरफ, फिर बाद में बाकी कर लेंगे। पहले ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सिग्मा एफ इंटू डी, अब माइनस माइनस के एक तरफ जोड़ने और प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ने, माइनस के देखो दोनों दोनों कितने हो गए, ये हो गए 450, 250 गए ना, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, संख्या जुड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस का। अब ये नीचे वाले देखो जोड़ो कितना हो गया, ये हो गया कितना 770, ये किसका है प्लस का, अब बाकी निकालो 770 में से 450 घटाओ कितने बच गए, 320 कितना बच गया, और किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि तो बड़ी संख्या किसकी है प्लस की। अब नीचे देखो सिग्मा एफ मतलब इसका भी क्या करना है, जोड़ करना है, करो सिग्मा एफ का जोड़, यहाँ करना है सिग्मा एफ का जोड़, बताओ जोड़ो सबको, तो ये तो 12 कितने हो गए, ये दोनों को जोड़ा 40 40 और ये 65 75 75 90 200 कितना हो गया, दो जोड़ 100 आ रहा है टोटल, सबको जोड़ना कितना आएगा 100, मतलब इस लाइन को जोड़ोगे किसका जोड़ेगा 100 आ गया। अब मान रखो सूत्र में ए का मान कितना कितना माना था, 65 माना था, 65 ये 65 प्लस, बताओ सिग्मा एफ इंटू डी का मान कितना आया, सिग्मा एफ इंटू डी का मान 320 बटा सिग्मा एफ का मान कितना 100। अब देखो ध्यान दो, ये तो 65 तो ऐसे लिखो प्लस, 0 से 0 कैंसिल, 10 का भाग 32 में दोगे ना तो कितनी बार जाएगा 3.0, नीचे 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगी, 3.0 बार गया। अब जोड़ो दोनों को, 65 में 3 जोड़ना कितना हो गया 68.2, तो बताओ इसका उत्तर कितना आ गया 68.2 आ गया। सुनिए ऐसे करना है आपको, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करो आराम से हो जाएगा। और भी देखो ये वाला देखो, इसमें पद विचलन विधि, अब पद विचलन विधि में भी आपको सबसे मेन सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र क्या है आपके, तीनों एक जैसी है, थोड़ा थोड़ा चेंज है बस। अब देखो पद विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, इधर लिख देता हूँ, हमें आपके पद विचलन विधि, पद विचलन विधि या बोलो पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। अब देखो इसमें भी इससे भी कैसे दर्शाओगे, एक्स बार से, क्योंकि भाई समांतर माध्य और समांतर माध्य किसे दर्शाया जाता है, एक्स बार से दर्शाया जाता है। देखो अब सूत्र लिखना है आपको, सूत्र क्या है बताओ, सूत्र क्या होता है, वही ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच, इसमें थोड़ा सा फर्क है, देखो इस वाले में तो डी था, यहाँ क्या आ गया यू और गुणा में क्या आ गया एच। अब देखो इसमें कैसे करना है, देखो इसमें तो सबसे पहले तो इसमें हमने हर बार एक्स निकाला, इसमें आपके एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले भी एक्स आ सकता है और नहीं भी आ सकता, अगर पहले से आ रहा है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्स ऑलरेडी है तो आप देखो एक्स है हमारे पास तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा, वही जो इसमें माना था ए। अब ए कहां से मानते हैं, एक्स में से, ये एक्स वाली लाइन है ना, इसमें से ए मानना है इसमें भी, तो देखो क्या लिखेंगे, माना ए बराबर, अब इसमें से कौन सा नंबर मानना पसंद करोगे, कोई सा भी, जैसे मान लिया 25 मान लो, कितना मान लो बीच वाला नंबर मानो, ताकि जो अपन जोड़बाजी करें ना उसमें नंबर छोटे हो जाएंगे, बीच वाला मानोगे तो 5 मानोगे तब भी उत्तर सही आएगा, 50 मानोगे तब भी सही आएगा, मर्जी है जो मान लो इसमें से उत्तर सही आएगा, कितना मान लिया हमने 25 मान लिया, कितना माना 25। तो देखो सूत्र के अकॉर्डिंग ए तो आ गया हमारे पास, अब क्या ज्ञात करना है यू, इसमें तो क्या ज्ञात करना पड़ता था डी, इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा यू। अब देखो यू कैसे ज्ञात करते हैं, यू ज्ञात करते हैं एक्स माइनस ए बटा एच, एक्स माइनस ए बटा एच, ये देखो एक्स माइनस ए और इसके केवल क्या लिखे बटे में एच, फर्क कोई नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बस,
हो गया x माइनस ए बटा x। अब देखो इससे भी इजी है, इसमें तो आपको गिनती लिखनी है। कैसे लिखनी है गिनती? देखो आपने a कितना माना 25, इसके सामने तो जीरो, ऊपर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, एक दो तीन चार पांच फिक्स है सभी सवालों में। अगर इधर अंतर समान है ना तो सभी सवालों में फिक्स है। जो a माना उसके सामने जीरो, ऊपर गिनती माइनस में और नीचे गिनती प्लस में, फिक्स है सभी सवालों में, ठीक है ना। लेकिन उनका अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आपको ये सूत्र लिखना है केवल सर को बताने के लिए कि मैंने ऐसे किया और ऐसे करके ये मान निकाले, बाकी आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना है। कल्पित माध्य विधि में तो लिखना है पाढ़ा अंतर का, और उसमें लिखनी है गिनती पद विचलन विधि में, फिक्स है गिनती आएगी सब में, ठीक है आगे मान। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप मान याद रख के मान निकालो प्रत्येक का, और मान निकालने में पूरा समय निकाल दो, ठीक है ना। समय तो सवा तीन घंटे का ही है, अब तुम्हें बढ़ा देंगे तुम्हारे कर देंगे साढ़े तीन चार घंटे, हो गया। अब आगे देखो अब क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो f इंटू यू, जैसे एफ एक्स को गुणा किया, जैसे एफ डी को गुणा किया, वैसे f और u को भी क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ये रहा f और ये रहा u, करो गुणा। अब करना पड़ेगा f इंटू यू, देखो यहाँ ये रहा f और ये रहा u, 20 चौको कितना 80, माइनस तो माइनस, तीन तिया 9, चार थी 12, अभी देखो पीछे दो कैसे करेगा, माइनस 5 दुनी 10, 7 दुनी 14 और 1 15, ये को कितना आ गया माइनस के 67, और इसको करें तो 0, 45 एकम 45, 39 दुनी 78, 9 थी 27, 8 चौक 32, 56 30, आ गया। अब वही जोड़ करना है, देखो यहाँ अब क्या गया, सिग्मा एफ इंटू यू, सिग्मा एफ इंटू यू का मतलब क्या होता है, एफ यू का जोड़, इसका जोड़ करो, वही माइनस माइनस एक तरफ और प्लस प्लस एक तरफ, अब जोड़ करना है, किसका जोड़ करना है, सिग्मा एफ इंटू यू का। अब देखो इधर पहले माइनस माइनस वाले जोड़ लो, बाद में प्लस प्लस वाले जोड़ लो, कितना 9 और 7 16, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 4 हाँ 22, कितना गया 22 का 2, हासिल का 2, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस का कितना हो गया 426। अब प्लस प्लस वाले एक तरफ जोड़ो, जोड़ा कितना रहा है, कितना रहा है 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, हासिल का 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 212, 212 आ रहे हैं, 212 आ गए। अब बाकी निकालो, यहाँ तो बच गया कितना 4, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया कितना 2, कितना आ गया माइनस के 214, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का जाएगा। अब नीचे देखो सिग्मा एफ का जोड़ करो, ये रहा एफ, किसका जोड़ करना है, सिग्मा एफ का जोड़ करना है, जोड़ करो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40, 40 और 48, 48 और 6 54, बचे 5, 5 और 7, 7 और 4 11, 11 और 4 11 और 7 18, 24, 31, 35, 38 और 38 47, 47 और 8 47, ये तो जुड़ गए 47, कितना हो गया 400, कितना आया 74, सही जोड़ना है, जोड़ बाकी सही करनी है तुम्हें, 4 चौथी आ रहा है, एक बार भी जोड़ लो तुम, आ गया इसका जोड़ आ गया, जोड़ लेना एक बार इसको जोड़ो, ठीक है। अब देखो मान रखो यहाँ पर, बताओ एक का मान कितना कितना है 25, प्लस सिग्मा एफ इंटू यू का मान कितना माइनस के 214, बटा सिग्मा एफ का मान कितना 474 इंटू, अब देखो एच का मतलब होता है अंतर, इस एच में देखो समय कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, समय 5 का पाड़ा है, 5 का अंतर आ रहा है समय,
तो यहाँ कितना लिख देंगे 5। अब भाग देना है, तो देखो 25 का तो 25, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो ध्यान दो, दोनों में किसका भाग जा रहा है, सेम संख्या का भाग जा रहा है क्या, 4 का नहीं जा रहा, 2 का, 2 से काट लो, 2 का भाग इसमें कितनी बार, 107 बार, इसमें कितनी बार गया, 107 बार, और इसमें 2 का भाग 2, 3, 7, 237 बार, इंटू कितना 5। अब देखो आगे, ये 25 तो है ही सही, इधर 25 तो है ही सही, माइनस 7 को गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लो ना, 5 3 15, 5 3 7 बंजो 35, और कितना 5 एकम 5, बटा कितना 237। अब 237 का भाग देना है, ठीक है ना, तो भाग दो कितनी बार जाएगा, 25 तो है ही सही, माइनस 237 का भाग दो, 237 का दुगना कितना होता है 474, दो बार, मतलब 2.83 जो भी आए जो, और फिर बाकी निकालनी है, ठीक है ना, इसका भाग देना और जो भी है जैसे बाकी निकालनी है, तो उत्तर आएगा वही 23 या 22 कुछ उत्तर आएगा इसका, ठीक है, निकालो तब। अबे आपके माध्यक या मध्यिका और बहुलक 6 नंबर का सवाल इनमें से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखना है इधर, पहले ज्ञात करने आपको माध्यक या मध्यिका दोनों एक ही नाम है और इसको किससे दर्शाते हैं, एम से। अगर आपको माध्यक या मध्यिका ज्ञात करनी है तो पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, बताओ सूत्र क्या होता है, माध्य को दर्शाते एम से, एम बराबर एल प्लस औसतक एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है आपके, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू क्या होता है एच, ठीक है। अब देखो जैसे आपके माध्य के मध्य का आ जाए, इसके लिए आपको ज्ञात करने, देखो यहाँ तो दे रखा है वर्ग अंतराल और यहाँ दे रखी है बारंबारता, जैसे ही माध्य के मध्य का आ जाए तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा सी एफ, क्या ज्ञात करनी है, जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता, क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब सबसे पहले ये निकालनी है, तो कैसे निकालें, देखो 42 का तो 42, अब 42 में जोड़ना है 30, कितना हो गया 72, अब 72 में जोड़ना है 50, कितना हो गया 122, 122 में जोड़ना है 22, कितना हो गया 144, इसमें जोड़ना है कितना 8, कितना हो गया 152, इसमें जोड़ना है 5, कितना हो गया 157, टोटल जोड़ कितना आ गया 157, इसको बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं एन, ये जो एन जोड़ लास्ट वाला ये 157 एन बोला जाता है, और यहाँ करना है आपको एन बटा 2, एन बटा 2, बताओ एन का मान कितना 157/2, 2 का भाग 2 कितना आएगा 7 × 14, 1 × 17 हो गया, 8 × 16.5 कितना आ जाएगा 78.5। अब क्या करना है, ये जो है सी एफ वाली है ना, सी एफ वाली लाइन, इसमें आपको 78.5 से बड़ा नंबर देखना है, इस सी एफ वाली लाइन में, बताओ 78.5 से बड़ा नंबर कितना है 22, कितना है 22, तो इसके सामने ऐसे लाइन बना लो 22 के सामने, 78.5 से बड़ा नंबर देखना है 122 से, उसके सामने ऐसी लाइन बना लेंगे, बना ली। अब देखो सूत्र के अकॉर्डिंग मान रखते हुए जाने, एम बराबर सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है एल, सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है एल, बताओ इस लाइन में सबसे आगे आगे क्या है 16, एल का मान कितना है, आपको एल का मतलब वैसे तो एल 12 मतलब इसकी माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, उससे कोई मतलब नहीं है, सूत्र में सबसे आगे आगे एल है, तो इस लाइन में सबसे आगे आगे कितना है 16, तो एल की जगह कितना है 16 प्लस। अब देखो कोष्टक है तो कोष्टक एन बटा 2 का मान, एन बटा 2 का मान कितना जाएगा 78.5 माइनस सी, सी का मतलब होता है संचयी बारंबारता, देखो यहाँ पहले हमने 78.5 से क्या लिया ज्यादा, ज्यादा लिया ना, अब लेना है 78.5 से कम, कम कितना 72,
मतलब सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया 72 बटा एफ। एफ का मतलब होती है बारंबारता, ये वाली कितना है 50, तो यहाँ कितना जाएगा 50 इंटू एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है अंतर, इनके बीच का अंतर, मतलब अंतर कितने का है 8 का, कितने का है 8 का, तो यहाँ कितना आ गया 8। ठीक है, अब देखो बेटा 16 का तो 16 प्लस 78.5 में से 72 घटाओ, कितने बच गए 6.5, 78 में से 72 घटाओ 6 बच गए ना, तो कितना बच गया 6.5 बटा कितना 50 इंटू कितना 8। अब देखो 16 तो 16 प्लस 65 को किसे गुणा करेंगे 8 से, 65 को 8 से गुणा करना है, 8 पंजो 40, बच गए कितने 4, 8 6 48, 48 और 4 कितने हो गए 52। अब पॉइंट कहाँ आएगा, एक के बाद, तो कितना आ गया बटा 50 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब है? नहीं है, तो बल्कि यहाँ से जीरो हटा सकते हो। अब देखो 2 का भाग इसमें 26 बार, 2 का भाग इसमें 25 बार, अब यहाँ तो 16 प्लस 26 बटा 25, अब 25 में भाग दे लो किसका, 26 में भाग दे लो किसका 25 का, 25 एक 25 कितना बच गया 1, भाग भी जरा क्या लगाएंगे 0, यहाँ उतर गया, अब भी भाग जरा है क्या नहीं, अब यहाँ और 0 और यहाँ और 0, 25 को कितना 100, बताओ भाग कितनी बार गया 1.04, तो देखो 16 में जोड़ दें कितना 1.04, 16 और ये कितना हो गया 17.04, उत्तर कितना गया 17.0। एक चीज का ध्यान और रखना है, जो आपने ये लाइन बनाई ना, उत्तर भी आपके इस लाइन के अंदर में आएगा, मतलब 16 से 24 के बीच में उत्तर आएगा आपको, आगे समझे, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे माध्य के मध्यिका का नाम आ जाए सबसे पहले क्या याद करनी पड़ेगी सीएफ, और सूत्र आपको याद होना चाहिए, बार बार सवाल करो ताकि आपको सूत्र याद हो जाए। अब ये वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुलक पिछले साल आया था, इस साल हो सके ये आ जाए माध्य या मध्यिका आ जाए, इस पे ज्यादा ध्यान रखना, और एक वो समांतर माध्य जो पहले बताया, बहुलक भी आ सकता है, बहुलक सबसे सिंपल है, तो देखो बहुलक याद करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बताओ जेड बराबर सूत्र क्या होता है L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और गुणा में H, ये सूत्र होता है बहुलक याद करने का, L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू H। अब देखो इसमें तो आपको CF निकालना था, उसमें U निकालना था, D निकालना था, इसमें कोई कुछ नहीं निकालना है, इसमें तो आपको जो ये बारंबारता दे रखी है ना, उसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 7, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 7 पे ऐसे निशान कर लेंगे हम ऐसे, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 पे निशान कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सूत्र के अकॉर्डिंग बताओ, सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है एल, इस लाइन में सबसे आगे आगे क्या है 40, तो L का मान कितना 40, तो यहाँ आ गया 40 प्लस F1 जो ये सबसे बड़ी बारंबारता है ना, ये कहलाएगी F1, तो F1 कितना है 7 माइनस, अब एक जीरो गिनती में एक से पहले क्या आती है जीरो आता है, एक इस F1 के ऊपर आ जाएगा F0 कितना है 3, सूत्र में कितना 2 इंटू F1 कितना है 7 ही है, F0 भी कितना है 3 ही है, माइनस F2 गिनती में 1 के बाद क्या आता है 2, F2 कितना हो जाएगा 6 और गुणा में H, H का मतलब वही क्या होता है अंतर, बताओ कितने का अंतर है, समय कितने का अंतर है 10 25 15 का अंतर है, तो यहाँ कितना जाएगा 15। अब देखो यहाँ 40 तो है ही सही, प्लस 7 में से 3 गया तो 4, 7 दुनी 14, 3 और 6 कितना हो गया 9, यहाँ विशेष सावधानी रखना, दोनों माइनस के हैं लेकिन क्या होगा जोड़ होगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस, पहले गुणा करना है 7 दुनी 14 और 3 और 6 हो गए 9 इंटू कितना 15। अब देखो 40 का तो 40 प्लस 4 का 4, 14 में से 9 गए 5,
इंटू कितना 15। अब देखो 40 का तो 40, 5 का भाग 15 में 3 बार हो गया प्लस। अब देखो 4 से गुणा करेंगे 3 से, 4 से कितना हो गया 40 और 12 कितना हो गया 52। तो बॉलर कितना गया बताओ 52। आगे समझे, इजी है तो आपको इनमें से एक क्वेश्चन तैयार करना है।